So, have you been to rural Rajasthan before? Actually, I have been uh, to Nimrana and the uh, villages around there, ah. which is uh, quite a remarkable development yeah. because so many uh, factories have come in yeah. and you can see a village transform. So, when we were kids, Papa took us to Nimrana and we had gone there on a picnic and we got attacked by bees. Ah. I think my dad got like Twenty-five or something. Wow. I, I got, I got. Oh. My mother like covered me with a blanket. Achha. I got nine or something. She was protective. That's yeah. good. Yeah. Here, there's Ranthambore. Have you been there? I've been to Ranthambore before. Of course, uh, I came just for mm -hmm. the yatra, so I don't uh, see yeah. the yeah. safari. There's 16 cubs there now. So everybody who's going no. there is seeing no, no, no. three or four tigers. Right. So no. what, what is, what is your view about what's going on economically in in India in the world? We yeah, were just yeah. discussing, yeah. you know, the United States and, and China. So the next year is going to be m more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But uh, because uh, growth is going to slow, in the world, more generally, people are raising interest rates that mm. brings down growth uh, India is also going to be hit. Indian mm. interest rates have also gone gone up, mm. but uh, Indian exports have been slowing quite a bit mm. and india 's inflation problem is more a commodity inflation problem, mm. vegetable inflation problem, and uh, that is also going to be negative for growth mm. Mm. so um, I think that uh, we would be uh, lucky if we do 5% next year. Mm. See, the problem with the uh, growth numbers is that uh, you have to understand what you're measuring with respect to. Yeah, if you beast. had a terrible quarter last year mm. and you're measuring with respect to that, you look very good. So, ideally, what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. Mm.

बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है जो किसान हैं गरीब लोग हैं उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है और फिर ये पाँच छः दस पंद्रह लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है एक के सपने पूरे हो रहे हैं एक के सपने नष्ट हो रहे हैं तो ये इनक्वालिटी जो बढ़ रही है इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ वो इंडस्ट्रिय के बारे में नहीं है ये जो अपर मिडिल क्लास है वो, उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ पड़ता था और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको तो ये डिवाइड जो है पैंडमिक में बढ़ गया और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है जो बीच में है ये लोअर मिडिल क्लास जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ नौकरी तो बंद हो गई बेरोजगारी बढ़ रही है कर्ज बढ़ रही है वो कर्ज ले रहे हैं ब्याज दर अभी बढ़ रही है तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है और उन उनकी तरफ हमें देखना है और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये भी है कि आ, आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है आ, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का उसको भी देखना है आ, हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है मतलब मतलब मनोपली के खिलाफ हो सकते हैं मनोपली के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं लेकिन मोनोपली अच्छा नहीं है रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिल सकता है तो उसमें फूड प्रोसेसिंग है उसमें कोल्ड चेन है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है वो सब है तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है आपका कहना है सेकेंड ग्रीन एक नए तरीका नए तरीका का वेजिटेबल्स मिल्क डेरी प्रोडक्ट्स पोल्ट्री ये सब हो सकता है और प्रोसेसिंग करना है यहाँ पे हुँ। क्योंकि यहाँ या, या, का लेबर यूज करना चाहिए और खेत के पास खेत के पास और मेरे ख्याल में उसका भी एक ग्रीन uh, कंपोनेंट है अगर आप सब ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं जो आप इधर उधर बेच देंगे उसका वेट भी काफी कम हो जाएगा ना तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा हुँ. और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हुँ. उसको कम करना चाहिए और, और यूएस में क्या हो रहा है यूएस यूएस में और आ, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है अभी वहाँ पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफी ज्यादा और महंगाई कम करने में ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं वांग का आरबीआई फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं और उससे तो उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे अगले साल तो उससे तो एक्सपोर्ट तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ हमारा उत्पादन की गति भी काफ़ी कम हो जाएगी जब मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कह रहे थे कि बांग्लादेश ने आ, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है और उन्होंने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से अपनी पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत बना दिया है इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें करना चाहिए कैसे करा जा सकता है एक तो ए, उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स uh, वो कपड़े बनाते हैं बेच uh, और एक्सपोर्ट uh, करते हैं और उसमें उन्होंने उन्होंने दो तीन चीज किए हैं जो देट हेल्प दम सक्सीड एक तो दे अलाउ बिग फैक्ट्रीज नॉट स्मॉल फैक्ट्रीज क्योंकि स्केल इकोनॉमीज की ज़रूरत है हुँ. So, they allow big factories. I think uh, labor is largely women. Hmm. So, they employ a lot of women in the, in hmm. the uh, textile industry. And the policy is very predictable. Hmm. It doesn't change. Hmm. So, that industry has just taken off hmm. because it's using low-skilled yeah. uh, workers. On my way, hmm. I found, found hmm. out that Bellary... Hmm. वो जीन्स प्रोडक्शन का सेंटर था और वहाँ पे साढ़े चार लाख लोग काम करते थे कपड़ा गुजरात से आता था और स्टिचिंग बेलारी में होती थी और वो लोगों के घर घरों में होती थी कोई कोई एक पीस बनाता था कोई सिलता था कोई धोता था वो पूरा डिसेंट्रलाइज था सप्लाई चेन और जीएसटी और नोटबंदी ने उसको ख़त्म कर दिया और वो एक्चुअली वो इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के टाइम से है चार लाख साढ़े चार लाख लोग काम करते थे आज वहाँ पचास हज़ार लोग काम करते हैं और वो सब मतलब ख़त्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी है बट हाँ। उसको उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती हाँ। है बहुत सारे क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में जो अलग अलग चीज़ बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है तो उस पर उस पर फोकस करके उनको मदद करके उनको सपोर्ट देकर भी वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। बन सकती है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए फाइनेंस क्रेडिट लोन्स आ, देना चाहिए उनको और आ, ये जो आप कह रहे हैं सर्टनटी अबाउट पॉलिसी कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये जो पॉलिसी एक दिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं एक दिन हाँ एक्सपोर्ट जरूर कीजिए तो मुझे एक बात समझाइए आप आरबीआई में थे अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति दो लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एक्चुअली बड़ा वाला भी ज़रूरी है छोटा वाला भी ज़रूरी है मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, हाँ। छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाते हैं तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए बदल सकते हैं और ये जो आप पहले कह रहे थे इंफॉर्मेशन ये जो छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका तो एक वो तो बेचते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है उनका सेल्स है अगर वो सेल्स uh, अगर uh, बैंक को मालूम पड़ता है कि ये जो सेल्स काफी स्टेबल हैं काफी बढ़ रहे हैं hmm. तो वो ऋण uh, दे सकते हैं दे कैन लेंड बट वी नीड दैट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड टू मेड मेड अवेलेबल वो हो रहा है hmm. अभी जो ये जो फिनटेक चल रहा है इंडिया में hmm. uh, उसमें दे आर स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट ऑल दिस

They stay under the radar screen of the mm -hmm. government mm -hmm. instead of being helped by the government. Mm -hmm. What you need is, okay, you stay under the radar screen until you get a business which works. Mm -hmm. But then once you start growing, mm -hmm. I'm going to look at you, but I'm going to help you. Mm -hmm. I'm mm -hmm. not going to just tax you. I'm not going to just make your life miserable with. Uh, mm -hmm. We need that mm -hmm. situation, right? So many of these small businesses get benefits. Now, as soon as they become bigger we take away those benefits right so there's no incentive to grow bigger mm -hmm. why not instead say okay if you grow bigger you will have these benefits for 5 years yeah then they will come off yeah but then by that time you're so big you don't you don't right. care right so can we do things like that so so you're saying that to make a transition from a small business to a big business in india there's a huge cost that has to be sort of managed absolutely absolutely today and the cost is, is rent seeking in some way it today is largely exactly, rent seeking exactly you see how many firms hmm. are stuck at 10 10 yeah. uh, workers or 20 workers because that's when the regulations start kicking in i mean the only one i mean the only one i was thinking about it the only one i i can think of the top of my head is haldirams yeah. which went from being a small

कि जैसे ही उनकी फसल आती है वैसे ही कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को ट्रिक कर देती है और उनके दाम उसी दिन गिरते हैं जब उन, उनकी फसल उनके हाथ में आती है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम कहते रहते हैं कि हम किसान के लिए हैं लेकिन जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है और इम्पोर्ट पॉलिसी है वो मिडिल क्लास के लिए वो सिटीज में अर्बन मिडिल क्लास के लिए बनता है अगर आ, आ, प्याज का दाम बढ़ जाता है तो हम इम्पोर्ट करते हैं और बेचारा फार्मर जो किसान है के लिए दाम तो गिरते हैं तो आ, मेरे ख्याल में एक स्टेबल पॉलिसी होना चाहिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाँ अगर दाम इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इम्पोर्ट तो कर सकते हैं ये जो एक्सपोर्ट मैं वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट मैंस तो किसान के खिलाफ है अगर आप किसान को कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उनको बेचना पड़ता है और दाम तो कुछ नहीं मिलता। डज वन थिंक अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट यू नो इट आई एंड नो लॉयर डॉक्टर आईएएस मिलिट्री इंजीनियर एंड सो द इमेजिनेशन इज फॉर मोस्ट किड्स इन इंडिया डू दीज फाइव थिंग्स नहीं बेरोजगारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हुँ. और बात यह है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं हुँ. क्योंकि उसमें पेंशन है ये है वो है और सिक्योरिटी है हुँ. और वो ढूंढते हैं इम्तहान लेते रहते हैं हुँ. और आ, आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोग आ, सरकार में काम कर सकते हैं अ, अगर आप पूरे जो नौकरी है सरकार में आ, आप उनको अगर ओपन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक परसेंट दो परसेंट तो। वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है क्योंकि वहाँ पे नौकरी रोजगारी आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे और एक तो प्राइवेट सेक्टर एक एग्रीकल्चर में आ, अगर हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर भी नौकरी पैदा हो सकते हैं और ये जो फॉर्मल सेक्टर है हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं ये पीएलआई स्कीम वगैरह लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती है और आप पहले कह रहे थे कि अब एक नए तरीके की सर्विसेज की नौकरी आ रही है ज़रूर आजकल ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो पहले अमेरिका में बेचते थे अपने सर्विसेज और इंडिया में बैक ऑफिस का काम करते थे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये वो आजकल वो इंडिया में कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय uh, कर रहे हैं वो कंसल्टेंट्स uh, uh, काम कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका में हैं और प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं जूम पे दे आर एक्चुअली एज इफ देर वर्किंग इन अमेरिका विच दे गेट मच हायर सैलरी बट इसके लिए इसके लिए अंग्रेजी की जरूरत है अंग्रेजी की जरूरत है और हायर एजुकेशन की जरूरत है और हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए तो अभी आप जानते हैं ये पैंडमिक हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं गए दो साल के लिए नहीं गए uh, ना सिर्फ uh, सीखे नहीं दो साल के लिए लेकिन भूल भी गए तो uh, अभी देर थ्री इयर्स बिहाइंड देर क्लास टाइम ज़ाया हो गया हाँ तो अब क्या करेंगे हम उनको वापस ले आते हैं Or we don't take into account that they have, they're not uh, able to yeah. uh, uh, deal with the class they're in. Yeah. So th the problem is we're going to suffer. These kids are not going to be able to do uh, the high-quality work. So we have to pay a lot more attention to education. One of the things that I'm noticing while I'm walking is uh, what's being done to the small and medium uh. businesses in this country. And, you know, uh, the backbone of. For employment in the country. And all of them are complaining. And yeah. they're complaining of an unfair GST. They're complaining of course of demonetization, COVID. But they're also complaining of no support for small businesses. Yeah. And and most of them can't can't ever imagine transforming from a small business to a big business yeah. that just it's not even in their mind like yeah. i asked them you know yeah. so do you see yourself actually scaling up and they're like well no that's that's impossible yeah. so how do you think about that that issue no so we have gone about this process of uh, uh, maybe unintended formalization hmm. demonetization forced a lot of companies that were informal yeah. to go out of business yeah. uh, gst is forcing a lot of small companies that earlier didn't pay significant mm. taxes yeah. now it's forcing them to pay taxes and they're uncompetitive if they start paying paying taxes so this dual economy is being shut down mm. uh, and of course you know you need to create some uh, reason for them to become formal mm. if for example they could get more credit from the bank mm. as they became more formal they could show their uh, receipts they could show that but credit is also very slow right now mm. so uh, the benefits of formalization are not there. The yeah. costs of formalization are there. Right. And so many of them are, are hurting. Hmm. Now, uh, what is uh, true is as they shrink, our bigger firms are doing very well yeah. because they're occupying some of the space. So, in a sense, the inequality between firms yeah. is increasing. You look at profitability amongst the big firms, yeah. it's very good. It's very good yeah. And they could also raise money during the pandemic, which our small firms couldn't. what you want is to give the small fellow hmm. a chance to uh, yeah. to sell yeah. uh, and not put a whole lot of burden on him the big fellow can take care of uh, paying yeah. the taxes and all that तो ये अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें एक बहुत क्रांतिकारी कदम आ, स्वतंत्रता आंदोलन से आया उसके बाद हरी क्रांति हुई उसके बाद सफेद क्रांति हुई उसके बाद आ, जो कंप्यूटर एवोल्यूशन हुआ तो अब hmm. क्या रेवोल्यूशन हो सकता है दो तरह के रेवोल्यूशन है एक तो मैं आ, अभी हम बात कर रहे थे सर्विस hmm. हम से अमेरिका में काम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू अमेरिका। ओके दैट दैट वन। जैसे डॉक्टर हैं दे कैन प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज़ टू द यूएस एंड है hmm. दूसरा यह है आप uh, uh, हरी क्रांति के बारे में uh, hmm. बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन लेकिन वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये सस्टेनेबिलिटी एमिशंस इफ वी पुश ऑन दैट वी कैन बी एट द फ्रंटियर बिल्डिंग विंड मिल्स बिल्डिंग सोलर प्लांट्स मेकिंग आर बिल्डिंग्स ग्रीन एंड द मोस्ट डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज will be in south asia yeah. you've already seen bangladesh suffer you've seen pakistan suffer india is not far behind we, mm. we, we occupy mm. the same territory mm. Mm. so we have to push very hard mm. for uh, a green revolution elsewhere mm. but also we can be at the forefront because everybody is trying to get in mm. we can make a lot of windmills uh, solar because we have a huge demand mm. but we can also uh, you know innovate mm. uh, and so i think there are lots of possibilities but we should बी फॉरवर्ड थिंकिंग मैं मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई क्या कर रहे हो तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है मैंने कहा क्या हुआ उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक ख़रीदे और उसने बहुत सारे उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे मगर मैंने सोचा कि वो सैलरी क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और जो जो रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभीट कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है तो इसके इसके बारे में आपकी क्या राय है जो रिटेल इन्वेस्टर है बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास वो पूरा का पूरा का इसमें डाल रहा है जरूर वो समझते नहीं है वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है कहाँ से आया अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था बिटकॉइन uh, uh, दो तीन पैसे के, के लिए बिकता था 67,000 सेवन तक पहुंच गया अरबपति बन गए बहुत सारे हाँ हा। तो अभी और अभी, अभी गरीब <laughs> फिर से हो गए ना क्योंकि उसके बाद गिरा है और ज्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब 67,000 डॉलर पे है मतलब हाइट पे हाइट पे और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं आ, और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिस जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है वो तब खरीदते हैं मगर ये ये जो प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम ये मैं, हमने स्टॉक मार्केट की बात की मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है मतलब सड़कों पे चल के मैं मैं सुन रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है ख़ासतौर से गरीब लोगों में किसानों में गरीब लोगों में जरूर उ, उनको इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है दी नहीं जाती है इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए हुँ, हुँ. कि आ, उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक है। rights, and, uh, uh, हैं, दीज आर योर राइट्स एंड जो बेचते हैं दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट आई व्यू

और अगर आप सोचेंगे कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि विच हाउस कैन स्टैंड ब्रदर्स आर फाइटिंग दे काफी लोग कह रहे हैं हाँ वी कैन फाइट इंटरनली वी विल दिस माइनॉरिटी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड नहीं हो सकता है नहीं ये एक बात है मगर दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जहाँ अमेरिका चाइना यूक्रेन सब जगह नफरत फैल रही है उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है जरूर, जरूर और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है जरूर और ये हमारा हमारी हिस्ट्री है हमारा ये कल्चर है और ये हमारी स्ट्रेंथ है और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं कि इंडिया का क्या कहे इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं